हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमारा मेन फोकस जो रहने वाला है वो रहेगा मॉडरेट रिएक्शंस पे। वेरी फास्ट रिएक्शंस और वेरी स्लो रिएक्शंस के बारे में हम उतना नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके वेरी फास्ट रिएक्शंस है वो इतनी जल्दी हो जाते हैं लाइक 10^-4 सेकेंड के अराउंड, एंड जो आपके वेरी स्लो रिएक्शंस है लास्टिंग ऑफ आयरन, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जैसे रिएक्शंस में जैसे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, बात कर रहे थे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए, कोई रिएक्टेंट ए है, विद टाइम ये पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जब इनिशियली जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट तो हमारे पास जीरो नहीं रहने वाला है, जो रिएक्टेंट है वो ए नॉट होगा। आफ्टर सम टाइम से टी नॉट टाइम के बाद प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, से एक्स प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, ए नॉट माइनस एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, डीएक्स अपॉन डीटी, विच इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स रेज टू पावर जीरो। रेज टू पावर जीरो यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए वो इस एक्सप्रेशन पे रहना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू के टी, राइट। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, टाइम टी पे या टी नॉट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या थी, एक्स। तो एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली है केटी, तो एक्स इज इक्वल टू केटी, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, रिएक्टेंट की बात करें तो ए नॉट माइनस एक्स था, ए नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू अभी निकाली है केटी, तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी किसकी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस केटी, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज है लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो लाइफ टाइम क्या होता है, टाइम एट विच 100% ऑफ रिएक्शन इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो लाइफ टाइम किससे दी जाती है, टी एल एफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये लाइफ टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही 100% कम्प्लीट होती है। चाहे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, वो रिएक्शन कभी भी 100% कम्प्लीट नहीं होती। तो लाइफ टाइम की जब भी बात होगी तो समझ लेना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम की। हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। ये एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से डिनोट किया जाता है, इट इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए नॉट। एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड से मेरा मतलब यही है कि जितना आपका प्रोडक्ट बना है, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। इनिशियली कितना लिया गया था, ए नॉट लिया गया था, ठीक है जी। तो एक्स अपॉन ए नॉट, एक्स की वैल्यू केटी आपने निकाली है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, केटी अपॉन ए नॉट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ के बारे में। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ, देखो गौर करो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको बताया गया था के ए नॉट माइनस एक्स रेज टू पावर जीरो। रेज टू पावर जीरो का मतलब ये टर्म आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का क्या कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब आप चाहे कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहो, रेट ऑफ रिएक्शन वही अपना फिक्स रहने वाला है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, के क्या है, कांस्टेंट। तो टाइम के साथ भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है जी। बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ की। अब यहाँ देखो एक्सप्रेशन आपको क्या दिखाया गया, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, अभी एक्सप्रेशन पढ़ाया गया है। आप इसे रिलेट कर सकते हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब यहाँ पे आपको सी इंटरसेप्ट नजर आ रहा है, ए नॉट, कहीं एक इंटरसेप्ट ए नॉट होगा। स्लोप क्या नजर आ रही है आपको, m, विच इज इक्वल टू माइनस के। इसका मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा जिसकी स्लोप क्या है, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या होगा, ए नॉट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के ग्राफ की। एक्सप्रेशन क्या लिखाया था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट x इज इक्वल टू के टी, एक्स इज इक्वल टू के टी। इसको भी आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर सकते हैं रिलेट। इंटरसेप्ट यहाँ पे जीरो है, क्यों, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट तो जीरो ही था, कोई प्रोडक्ट नहीं था हमारे पास, तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। स्लोप क्या रहेगी आपके पास, k। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि स्लोप कहाँ होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ टाइम का ए नॉट के साथ ग्राफ।
टी हाफ का फॉर्मूला अभी बताया गया आपको, ए नॉट अपॉन टू के, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, स्लोप 1/2 के, ठीक है। तो यही रहेगा आपका, स्लोप क्या आ जाएगी 1/2 के, इंक्रीजिंग ग्राफ, वाई इक्वल्स टू एमएक्स प्लस सी से आप रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टाइम के साथ ग्राफ, क्या बताया गया है, के टी अपॉन ए नॉट, इसका भी ग्राफ किस तरह से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या है आपके पास, के अपॉन ए नॉट इज द स्लोप, ठीक है। तो ये थे आपके 6 ग्राफ्स जो आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। तो वही आप कोई भी जनरल रिएक्शन कंसिडर कीजिए, ए फॉर्मिंग प्रोडक्ट पी, राइट। इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जीरो रहने वाली है और रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन हमने ए नॉट मान ली। किसी टाइम टी नॉट पे प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो रिएक्टेंट कितना बचा, ए नॉट माइनस एक्स, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो डेट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 1। याद हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने यहाँ जीरो लिखा था, यहाँ पे हमने 1 लिखा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सप्रेशन पे फोकस करने की जरूरत है। इसको सॉल्व करके आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, कैलकुलेशन में यूज होने वाला है इसलिए इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्स, इट इज ए नॉट 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एटी विच इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, तो देखिए इस टर्म को मैं एलएन लिख सकती हूँ, इस नेचुरल लॉग को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी तो एक्सपोनेंशियल बनेगा ई रेस्ट पावर के टी, वो ई रेस्ट पावर के टी यहाँ आ गया। उसके बाद इस वाली चीज को, इस फैक्टर को हमने जस्ट इंटरचेंज करके लिखा है, वहीं से हमारे पास ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू आई है, ठीक है। अब लाइफ टाइम की जब मैंने बात कही थी तो कहा था कि ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लाइफ टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ये इन्फिनाइट टाइम लेने वाला है 100% रिएक्शन कम्प्लीट करने के लिए, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हुए हैं मीन्स जो प्रोडक्ट बना है, दैट इज एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी। नीचे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स इनिशियली आपने रिएक्टेंट कितना लिया है, ए नॉट, सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू 1 - e रेस्ट पावर माइनस के टी, ठीक है जी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ देखिए ये कुछ फॉर्मूलाज है, टी हाफ का मतलब आप क्या समझते हैं कि 50% ऑफ रिएक्शन कम्प्लीट हो गया है ना, तो टी 25% अगर मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 25% ऑफ रिएक्शन ही कम्प्लीट हुआ है, ठीक है। टी 90 का मतलब क्या है कि 90% ऑफ रिएक्शन कम्प्लीट हो गया है। टी 99 का मतलब सेम वे, टी 99.9% का मतलब कि इतना परसेंट रिएक्शन कम्प्लीट हो गया है। तो अब अगर आपसे न्यूमेरिकल इस तरह से आ जाए कि सपोज मेरे को आपने टी हाफ दे रखा है 60 है ना, टी हाफ की वैल्यू अगर 60 आ रही है और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ जी 99% की क्या वैल्यू आएगी, तो डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे 20/3 इंटू टी हाफ 60, तो कितना आंसर आ जाएगा 400, राइट। तो टी 99% की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होगा आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इन फॉर्मूला के चक्कर में फंसे रहेंगे, ठीक है जी। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके ग्राफ्स की। हाँ जी, बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स के बारे में। फर्स्ट ग्राफ है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या बताया गया था, के ए नॉट माइनस एक्स, रेट किस तरह से डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए इंक्रीजिंग ग्राफ। स्लोप क्या है आपकी, के, स्लोप इज इक्वल टू के, राइट। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन विथ टाइम। अब टाइम के साथ तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने वाला है। अब ये मैंने लाइन इस तरह से क्यों शो की है, मैंने इसको एक्सिस के साथ मिलाया नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कभी भी कम्प्लीट नहीं होने वाला, इस वजह से ये रिएक्शन विद टाइम चलता ही रहेगा, ये कभी भी कम्प्लीट नहीं होगा 100%, राइट। नेक्स्ट है एल एन ए नॉट माइनस एक्स का टी के साथ ग्राफ। नेक्स्ट है लॉग का टाइम के साथ ग्राफ। अब ये एक्सप्रेशन आपको याद करने के लिए कहा गया था, इसको आप वाई इक्वल्स टू एमएक्स के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स विद स्लोप माइनस के इन दिस केस
एंड माइनस के अपॉन 2.303 इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट है रिएक्शन कंसेंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ। विद टाइम रेट ऑफ जो आपके कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये तो डिक्रीज ही करने वाला है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपकी जब रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी तो रिएक्टेंट भी कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, आप यहां से भी देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का टाइम के साथ ग्राफ। तो प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज करेगा विद टाइम, इंक्रीज कब तक करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक इंक्रीज कर गया, ठीक है, बट क्योंकि रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होने वाली तो ये फिर ग्राफ आपका ऐसे आगे चलता ही रहने वाला है, ठीक है जी। तो इसमें हमने बात की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।